Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are well. This is your science period. Please take out your modern science and technology book, part 6. Today we are going to start a new chapter. So please open page number 29. The chapter name is Fiber to Fabric. यानी fiber से fabric में हम कैसे change करते हैं? Fiber क्या होता है आपके? रॉ मटेरियल होता है क्लोथ बनाने के लिए, और फैब्रिक आपका उसके बाद जो बने क्लोथ जो बनते हैं वो आपका फैब्रिक होता है. फॉर एग्जांपल कॉटन आपका रॉ मटेरियल है, उससे आपके क्या बन जाता है? कॉटन क्लोथ्स. वूल आपका रॉ मटेरियल है, उससे आपके बन जाते हैं वूलन क्लोथ्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. लाइक फूड, क्लोथिंग इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. फूड की तरह क्लोथिंग भी हमारा एक बेसिक नीड है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हीट, कोल्ड एंड रेन. क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू सूट द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर वेरिएशन ऑफ द प्लेस. हम जिस जगह रहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में ठंडा ज़्यादा होता है तो फिर हम लोग विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन जो मुंबई है, गोवा है, वहाँ पे आपके क्या होते हैं? गर्मी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. नॉर्थ साइड में जो मैन होते हैं वो पैंट और ट्राउज़र पहनते हैं, और जो साउथ वाले होते हैं वो पहनते हैं धोती एंड शर्ट या धोती या कुर्ता. ठीक है, तो अलग अलग जगह के हिसाब से हमारी ड्रेस सेंस चेंज होता है, हमारे ड्रेस पहनने का तरीका चेंज होता है. ऑल क्लोथ्स आर मेड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक. सारे क्लोथ्स अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं. अवेलेबल टू अस, वी गेट दीज फैब्रिक्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और हमें ये फैब्रिक किससे मिलता है? एनिमल्स से भी मिलता है और प्लांट्स से भी मिलता है. History of clothing. In ancient period, primitive man and woman had no idea about the clothes and were at the mercy of the weather. जो पुराने टाइम के जो लोग थे, जो आदि मानव थे, स्टोरेज के जो लोग थे, उनको पता नहीं था कि हमें क्या पहनना चाहिए, तो वो कोई क्लोथ वेयर नहीं करते थे, और वो बस ये सोचते कि वेदर अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, वेदर खराब होगा तो हमारे लिए खराब होगा. ठीक है, तो वो उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे. ड्यूरिंग द स्टोन एज ह्यूमन बींग स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्रीज, विद लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन एंड फर्स टू कीप देम वार्म. और उसके बाद जब स्टोन एज आया, प्रिमिटिव मतलब स्टोन एज से पहले का टाइम, और उसके बाद जब स्टोन एज आया तब मैन को थोड़ी सा सोचने में आया कि क्यों ना हम लीव से, पेड़ों की छाल से, बाग से उसकी, और स्किन से, एनिमल्स के फर से हम कुछ अपने आप को ढक सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने उसको एज अ क्लोथ पहनना स्टार्ट किया. लेटर ऑन व्हेन पीपल टर्न इनटू एग्रीकल्चरर्स दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू फैब्रिक. और जब लोगों को एग्रीकल्चर करना आ गया, खेती करने आ गई, तो उन्होंने ग्रासेस से, ट्विग्स से यानी छोटी छोटी टहनियों से और ग्रास से फैब्रिक बनाया, अपने पहनने के लिए क्लोथ बनाया. द अर्ली पीपल वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा एंड फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल. सो जो उसके बाद वाले पीपल है उन्होंने देखा कि गंगा के किनारे कॉटन लगता है और नाइल के किनारे फ्लैक्स लगता है, तो उन्होंने उससे अपने क्लोथ बनाने स्टार्ट किए. दीज पीपल यूज टू वेयर अनस्टिच्ड क्लोथ बिकॉज द स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. ये लोग अनस्टिच्ड क्लोथ पहनते थे. ये कैसे क्लोथ पहनते थे? फॉर एग्जाम्पल आप टॉवल लेना और टॉवल को अपने अराउंड लपेट लेना, ठीक है, उसको अपने अराउंड पूरा पहन लेना, तो वो इस तरह से अपने कपड़े पहनते थे क्योंकि उस टाइम तक स्टिचिंग नहीं थी. पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक अराउंड देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने अराउंड ड्रेप कर लेते थे यानी लपेट लेते थे. ठीक है, जैसे आप अभी भी करके देख सकते हैं, आप कुछ मत पहनो और सिर्फ टॉवल को लपेट लो. ठीक है, तो इसी तरह से वो अपने आप के क्लोथ को पहनते थे. व्हेन द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स
पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। और जब स्विंग नीडल आने लगी यानी सुई आने लगी तो उन्होंने फैब्रिक को सिलना स्टार्ट किया क्लोथ में। स्टिच क्लोथ बिगेन टू यूज इन इंडिया अराउंड द 14th सेंचुरी। इंडिया में स्टिच क्लोथ 14th सेंचुरी से आए हैं, ठीक है। उससे पहले वो सिंपल क्लोथ को ड्रेप कर लेते थे अपने अराउंड। इवन टूडे पीपल यूज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन। अभी भी लोग बिना सिले चीज़ों को पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल साड़ी को, धोती को, लुंगी को, टर्बन को, ठीक है। टर्बन क्या होता है हमारे, जो सिख लोग अपने सर में पहनते हैं, ठीक है, जो मैन पहनता है अपने सर में, तो वो टर्बन होती है। तो यानी ये जो पगड़ी होती है हमारी, साड़ी होती है, धोती होती है, लुंगी होती है, अभी भी वन पीस में आ रही है, विदाउट स्टिचिंग आ रही है। वेस्टर्न क्लोथिंग गेन पॉपुलरिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। और जो वेस्टर्न ड्रेसेस थी जैसे जीन्स, टॉप, स्कर्ट, टॉप, ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में आई 20th सेंचुरी में। कब आई? 20th सेंचुरी में। Thus nowadays we will find a large variety of fabrics and clothing material in the market। और इसी वजह से आज के टाइम पे, क्योंकि 20th से स्टार्ट है, आज के टाइम पे ये वेराइटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं और बाहर से बहुत सारे फैब्रिक, बहुत सारे क्लोथ हमारी इंडिया में आ रहे हैं। फैक्ट जोन। इट इज बिलीव दैट सिल्क वर्म्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड अराउंड 3000 BC इन चाइना। माना जाता है सिल्क वर्म सबसे ज़्यादा चाइना में होते थे, ठीक है। वो कब होते थे? 3000 BC में, ठीक है। तो सबसे पहले जिन्होंने इन सिल्क वर्म्स को पाला था वो थी कंट्री चाइना। इन इंडिया कॉटन बिकेम इनटू वाइड स्प्रेड यूज अराउंड 3000 BC, ठीक है। और उसके बाद ये इंडिया में भी इसका कल्चर होने लगा, इंडिया में भी सिल्क वर्म को पालने लगे लोग, उसमें से कॉटन को निकालने, सिल्क को निकालने लगे, ठीक है। सिल्क क्लोथ आपके जो होते हैं, सिल्क होता है वो आपको सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। फाइबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स। A fiber is a thread which is strong and flexible enough to make cloth. Fiber एक तरह का thread होता है जो कि इतना strong होता है और इतना flexible होता है, flexible मतलब तोड़ मोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। इतना strong और flexible हो सकता है जिससे हमारे clothes बन सके। It is a hair like a thin strand From which all fabrics are made। ये एक हेयर लाइक, हेयर की तरह, जबालों की तरह एक छोटा सा पतला सा स्ट्रैंड होता है जिससे हमारे क्लोथ बनते हैं, हमारे सारे फैब्रिक्स बनते हैं। फाइबर्स आर स्पन इंटू थ्रेड्स एंड लेटर दे आर वोवन इंटू क्लोथ्स। फाइबर को हम स्पन करते हैं थ्रेड में, उसको पहले फाइबर किस में चेंज होता है, थ्रेड में, और थ्रेड के बाद उसे वोव करते हैं यानी उसको बुनते हैं और उसका क्या बन जाता है, हमारा क्लोथ। With the help of looms or weaving machine। और ये किसकी हेल्प से बनता है? Looms, hand looms होते हैं आपके, और weaving machine। Looms क्या होते हैं हमारे, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी के पास चरखा था ना, उस तरह का, उसको भी loom बोलते हैं। और weaving machine होते हैं आपके जो machines होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जिससे हम क्लोथ को वीव कर सकते हैं, बुन सकते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fabrics। Fabric आपके yarn से बनते हैं और yarn बनते हैं आपके फाइबर से, ठीक है। तो आपका कैसे होता है, पहला आपके पास फाइबर होता है, उससे आपका यार्न बनता है, यार्न से आपके फिर फैब्रिक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक में किस किस तरह की वैरायटी होती है। व्हेन वी गो टू आवर क्लोथ शॉप इन द मार्केट वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स और फैब्रिक्स। हमें बहुत सारे फैब्रिक्स देखने के लिए मिलते हैं जब हम मार्केट में क्लोथ शॉप में जाते हैं। These clothes are made from different fabrics like cotton, wool, silk, jute, etc. और ये जो क्लोथ होते हैं आपके अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं, कॉटन से, वूल से, सिल्क से, जूट से, ठीक है, एक्सेट्रा। Thus the various type of fabrics which are commonly used by us are silk fiber, हम silk fiber use करते हैं,
सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं एंड वूल फैब्रिक यूज़ करते हैं, यानी सिल्क फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक एंड वूल फैब्रिक. We usually wear clothes made up of cotton fabrics in summer. Summer में हम cotton fabric के clothes पहनते हैं and wool fabric in winters. और wool fabric के clothes हम पहनते हैं winter में. The clothes made up of silk and synthetic fibers are more comfortable when the weather is neither too hot nor too cold. और जो आपके silk और synthetic fiber के बने होते हैं ना कपड़े, वो आपके तब यूज होते हैं जब ना ज्यादा ठंडा हो रहा हो और ना ही ज्यादा गर्म हो रहा हो. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न. फैब्रिक किससे बनते हैं? यार्न से बनते हैं. जैसे मैंने बताया था, फाइबर से आपके यार्न बनते हैं, यार्न से आपके फैब्रिक बनते हैं. ओके, यार्न क्या होता है? आपके थ्रेड होता है, ठीक है, एक तरह के थ्रेड. ओके, इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टाइप्स ऑफ फाइबर्स. टुडे वी आर गोइंग टू do till here. I hope you understand till now. With this class end here, I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.